सब्सक्राइब कीजिए टेक टू हिंदी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक टू हिंदी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो अपने वेबसाइट के लिए, या कोई बिजनेस पर्पस है तो आप उसके लिए भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है बिना कोडिंग के आप 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने यूसी ब्राउज़र खोलना है, या कोई भी ब्राउज़र आप खोल सकते हैं। उसके बाद आप गूगल ओपन कर लीजिए दोस्तों। गूगल ओपन होने के बाद आप गूगल सर्च में क्लिक कीजिए और लिखिए एप्स गैसर। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है तो मैं क्लिक करता हूँ एप्स गैसर। देख लीजिए आप, xgaser.com लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है इस तरह का इंटरफेस जो है दिखेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो इंटरफेस आ चुका है। अब आप सिर्फ क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारे जो है टेम्पलेट जो है मिल जाएगा कि आपको गेम का एप्लीकेशन बनाना है, या वेबसाइट, या यूट्यूब का, या कोई भी सोशल मीडिया का, तो आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए, हम यहाँ अपने यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे चलिए यूट्यूब को देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये YouTube यहाँ लिखा हुआ है, चलिए हम YouTube पे क्लिक करते हैं। YouTube पे क्लिक करने के बाद आपको जो है काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने के लिए, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं और अपने आइकॉन लोगो जो चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटर चैनल URL, तो दोस्तों यहाँ पे URL देना होगा चैनल का, जो आपका चैनल का है। तो चलिए सबसे पहले दूसरा विंडो आप खोल लीजिए और उसके बाद आप YouTube खोल लीजिए दोस्तों, YouTube.com। उसके बाद आप YouTube.com में सर्च कीजिए, अपना चैनल सर्च कर लीजिए, जो आप चैनल है आपका और जो जिस चैनल का आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो चलिए, हमने अपना चैनल का नाम सर्च कर दिया टेक टू हिंदी। उसके बाद देखिए, मेरा चैनल जो है ऊपर में ही आ चुका है तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल जो है इस तरह से जो है ओपन हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। तो ऊपर में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इस चैनल का URL है। देखिए दोस्तों, यहाँ आप सिंपली कॉपी ऑल पे क्लिक कर दीजिए और जाके आप फिर से उस विंडो को खोलिए और यहाँ देखिए दोस्तों URL को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्प्लिट चैनल इंट्रो प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ नो या यस कर सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में बनाना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो चलिए, मैं नो करने वाला हूँ, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए ऐप नेम मांग रहा है दोस्तों, ऐप का जो आप नाम रखना चाहते हैं आप नाम रख दीजिए। तो चलिए, मैं अपना चैनल का नाम रखता हूँ टेक टू हिंदी, टेक टू हिंदी। देखिए दोस्तों, मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया टेक टू हिंदी, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने एप्लीकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि आपके यूट्यूब पे क्या है, कौन से वीडियो मिलते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं टेक्नोलॉजी वीडियोज़ एवरी डे। जी हाँ दोस्तों, मैंने छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप चाहे तो अपने YouTube के बारे में काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकॉन और कस्टम आइकॉन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। अगर डिफ़ॉल्ट आइकॉन रखेंगे तो इस तरह का लोगो आपके ऐप में आएगा, और कस्टम करेंगे तो दोस्तों आप कोई भी आइकॉन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कस्टम आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड है, अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप के गैलरी में आप पहुंच जाएंगे, कोई भी लोगो है तो आप वहां से अपने में डाल सकते हैं लोगो। तो चलिए, यहां पे मेरा लोगो है तो देख सकते हैं, ये लोगो है तो मैं यहां पे डाल रहा हूं। देखिए दोस्तों, तो आपको जो आप क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा, देखिए दोस्तों यहां पे आप क्रॉप कर सकते हैं और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लोगो लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कस्टम लोगो नहीं लगाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं डिफ़ॉल्ट पे ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो कस्टम लगा सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा ऐप का जो सारे सेटिंग है वो हो चुके हैं दोस्तों। अब सिर्फ मुझे कर आए क्रिएट करने के लिए, जिससे मैं इस ऐप को डाउनलोड कर सकूं और चेक कर सकूं मैं मेरे चैनल का जो एंड्रॉयड ऐप है वो बना या नहीं।
तो चलिए दोस्तों, मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है साइन अप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। साइन अप करने के बाद ही दोस्तों आपको डाउनलोड का जो है ऑप्शन मिलेगा, और तभी आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप साइन अप ना करें, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है फेसबुक से लॉगिन करने के लिए, जो काफ़ी सिंपल है दोस्तों। तो चलिए मैं फेसबुक से ही लॉगिन करता हूँ, और आप भी फेसबुक से ही लॉगिन कर लेना दोस्तों। तो चलिए मैंने फेसबुक पे क्लिक कर दिया दोस्तों, अब ये ओपन हो रहा है दोस्तों। थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, ये ओपन हो रहा है। फेसबुक से हमने लॉगिन किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने फेसबुक से जो है ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था। आप जाएंगे लॉगिन फेसबुक पे, जब आप जाएंगे तो लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाइए, तो आपको यहाँ इस तरह का जो है स्क्रीन पे आ जाइएगा आप। तो चलिए ये आ चुका है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था। और यहाँ देखिए आप डाउनलोड का ऑप्शन है, तो QR कोड के नीचे, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, पब्लिश का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन मिलेगा, और आप अपने ऐप को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों, उसके बाद मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। थोड़ा और नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है गेट आवर ऐप फॉर एंड्रॉयड। तो देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए आप, तो ये आपका ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए वहाँ टाइम ले रहा है, प्लीज़ वेट 2.5 मिनट। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद इसे मैं डाउनलोड करता हूँ दोस्तों। डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है देखिए यहाँ, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो है डाउनलोड हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे टेक टू हिंदी नाम का ऐप जो है ये डाउनलोड हो रहा है, और 6.35 MB का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों ये ऐप लोड हो रहा है, तो इसे ऐप को जो है लोड होने देते हैं दोस्तों, नहीं तो टाइम लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्पीड भी दे रहा है दोस्तों इंटरनेट का, तो थोड़ा वेट करते हैं। इसके बाद इस ऐप को मैं खोल के दिखाऊंगा आपका किस तरह का इंटरफेस आता है दोस्तों। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो मैं इसे पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। दोस्तों देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं टेक टू हिंदी लिखा हुआ है ऊपर में। यह मेरे चैनल का ही ऐप बन चुका है दोस्तों, और यहाँ देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हूँ, ऐप इंस्टॉलेड लिखा हुआ है। तो मैं इसे डन कर देता हूँ, और चलिए मैं आपका इस ऐप का जो इंटरफेस दिखा देता हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों ये बिना कोडिंग का ही बन जाता है दोस्तों, कोई भी कोडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 2 मिनट के अंदर ही बन जाएगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही। तो चलिए हम अपने ऐप का जो इंटरफेस दिखा देते हैं किस तरह का है। देखिए यहाँ पे लोगो आप देख सकते हैं, जो मैंने डिफॉल्ट लोगो लगाया था टेक टू हिंदी, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन मांग रहा है एलो का, तो एलो आप कर दीजिए। तो देखिए मैंने इसे एलो कर दिया दोस्तों, अब इसका जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखिए नेवर शो अगेन लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे परमिशन इसे दे दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेटिंग आ जाता है, ऊपर में टेक टू हिंदी लिखा हुआ है चैनल का नाम दोस्तों, और यहाँ पे जो आपका वीडियो सब जो है सभी यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अभी वीडियो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है दोस्तों। यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं दोस्तों, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आता है या नहीं। देखिए दोस्तों मेरा सभी वीडियो जो है आ चुका है, आप देख सकते हैं। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, तो इस ऐप में ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है सभी को पहुँच जाएंगे दोस्तों, और कोई भी न्यू वीडियो की जानकारी उसे मिल जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए सभी का जो है लिंक आ गया है, और सभी का टाइटल वगैरह जो होता है डिस्क्रिप्शन सभी दिख रहे हैं, थंबनेल भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप जो है अपने कोई भी यूट्यूब या वेबसाइट या कोई भी बिजनेस के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपने यूट्यूब या कोई वेबसाइट के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन आसानी से बना सके, वो भी विदाउट कोडिंग के, बिना कोडिंग डाले ही 2 मिनट के अंदर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही बना सकते हैं।